हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम और हरे धनिए की चटनी। इस चटनी को आप पकौड़े के साथ खा सकते हैं, रोज के खाने के साथ खा सकते हैं, या फिर सैंडविच बना सकते हैं, चाट बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चटनी बनाने की सामग्री है पानी, एक कच्चा आम है जिसे हमने छील कर कट कर लिया है, एक कप हरा धनिया पत्ता, आधा नींबू, एक इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे हमने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, एक चौथाई चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच काला नमक, चार हरी मिर्च, चार कली लहसुन की, एक चौथाई चम्मच नमक। मिक्सी के बर्तन में हरा धनिया पत्ता डालेंगे, आम, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार, काला नमक, चाट मसाला, नींबू का रस, दो चम्मच पानी डालेंगे और पीस लेंगे। चटनी को हमने पीस लिया है और बाउल में निकाल लिया है। इसी तरह से कच्चे आम और हरे धनिए की चटनी आप भी बनाइए, समोसा पकौड़ा के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।